ओबीसी रिजर्वेशन कैंसिलेशन के लिए बीजेपी जिम्मेदार, गयास बागवान। ओबीसी आरक्षण जब से रद्द हुआ है पूरे महाराष्ट्र में जो है बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है। बागवान बिरादरी हो, बंगोली हो, बहुत सारे जो नगर सेवक है और महानगर पालिका है, ग्राम पंचायत, इसमें सबसे ज़्यादा तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी से ओबीसी जाते थे चुन के, लेकिन अभी जो है इससे उनको भी झटका लगा है। कुछ दिनों में महानगर पालिका के चुनाव है, तो क्या हालात होंगे ओबीसी के नहीं आने से इलेक्शन में? हम तो ये चाहेंगे और हमने इसमें धरना प्रदर्शन भी करे, पूरी जमातों ने मिलकर माली, कोहली, समाज, कुमार, सतार, बागबान, कुरैशी सब ने मिलकर हमने धरना भी दिए और कलेक्टर तक, डिविजन कमिश्नर तक ये बात हमारे लेखी में पहुँचाए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाना चाहिए। जब तक ओबीसी की सीटें बहाल नहीं होती तब तक जो है तो कोई इलेक्शन लगना नहीं चाहिए, चाहे ग्राम पंचायत के हो, नगर पालिका का हो, महानगर पालिका का हो, जिला परिषद का हो, कोई इलेक्शन गवर्नमेंट ने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ओबीसी ही एक ऐसी समाज है जिनको कहीं स्थान नहीं मिलता। और अगर जनरल ये हो गया तो हमारा तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। हम ओबीसी, बागवान बिरादरी ओबीसी से आती, कुरैश बिरादरी ओबीसी से आती, इन्होंने कहाँ से चुन के आना फिर? इसलिए छोटी जमातें जो है तो हमारे वीपी सिंह के दौर में बनी हुई है और सबको हमारा बराबर का स्थान मिले हुआ है, और ये गवर्नमेंट ने कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट ने इसका वो कर दिया कि आप जनगणना करो। जब तक जनगणना नहीं होती है, जब तक कानून का लागू नहीं होता, हमारे कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ओबीसी ने तो फिर एज इट इज इलेक्शन जो यहाँ पे वार्ड बने उस हिसाब से ओबीसी के इलेक्शन लो। ओबीसी हमारा हुकूमत को बोलना है, ओबीसी का राजकीय आरक्षण खत्म होने के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हकीकत में कौन है इसके पीछे जिम्मेदार कौन? अरे भाई, ये तो बीजेपी के टाइम में आ गया था 2017 में, राजकीय आरक्षण इनको लागू करने की वजह से इनका नुकसान हो रहा, इसलिए इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने खास तौर से ओबीसी को बाजू हटाई। अगर राजकीय आरक्षण मिल जाता है तो जाहिर है कि फिर उनको स्थान नहीं मिलने वाला। फडणवीस सरकार में दाखिल हुई थी कि याचिका? फडणवीस सरकार में 2017 में दाखिल हुई थी। तो आपका इल्ज़ाम ये है कि बीजेपी ने इस पर ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया, बीजेपी ने खास तौर से उसको दबा के रखा। हमारे नेता, हमारे उप मुख्यमंत्री गली, उन्होंने सदन में ही बात रखे कि आप जब तो आपके पास 2017 में आया था, आपने क्यों नहीं इसको फॉलो करे और आपने आगे बढ़ाए, और हम पे आप वो कर रहे कि आप ओबीसी के लिए कोर्ट में जाओ और ये करो वो करो, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरा इसको दबा करके, और बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ओबीसी बाहर रहना बोलकर।